झारखंड के गुमला में प्रत्येक विद्यालय को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से गुमला में स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत उपायुक्त सुशांत गौरव ने की है। हरी झंडी दिखाकर उपायुक्त ने रथ को रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि विद्यालय के बच्चों में शैक्षणिक वातावरण के साथ स्वच्छ सुंदर व तनाव मुक्त बनाने के लिए तमाम पहल किए जाएंगे। ये रथ विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण कर वहाँ मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की दिशा में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इस रिपोर्ट के माध्यम से सभी जरूरत की चीजें कैसे विकसित हों इसके लिए जिला प्रशासन पहल करेगा और इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा यह अभियान भी चलाया गया है। उम्मीद है कि इस अभियान के तहत बच्चों और शिक्षकों में शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होगा। स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इसका जो असर है वो जिसको कहते हैं कि वृहद रूप से या कहें कि मल्टीफेरियस इम्पैक्ट देने के लिए किया गया है ताकि बच्चों के बीच में स्वच्छता को लेकर विभिन्न पहलुओं के आधार पर विकास हो सके। जैसे हाथ धोने को लेकर है, कहीं भी बहुत सारी चीज़ों को हाथ से छूते हैं तो उसको धोने का प्रैक्टिसेस है, या मान लीजिए खाने के पहले, शौच के बाद, इस तरह के बेसिक हाइजीनिक सेंस बढ़ाना, ना सिर्फ ये चीज़ के लिए बल्कि विद्यालयों में कुछ मूलभूत सुविधाओं की जो दिक्कत रहती है, जो कि अपने अपने चूँकि वहाँ के डिमांड्स बहुत है तो SMC के फंड से भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से टीम भी जाएगी जिसमें प्लम्बर वगैरह रहेंगे जो कि छोटी छोटी समस्याओं को इमीडिएट निदान कर देंगे। साहिबगंज के लोंडा गांव से पुलिस टीम ने सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर जिरबावाड़ी थाना क्षेत्र के लोंडा गांव से देह व्यापार के आरोप में 3 महिलाएं व 1 युवती को आपत्तिजनक सामान के साथ में गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि लोंडा गांव में स्थानीय महिला के सहयोग से बिहार राज्य के भागलपुर जिले की महिलाएं किराए का कमरा लेकर देह व्यापार जैसे अवैध धंधे को बढ़ावा दे रही थी। और अतः जब मामले को लेकर SP अनुरंजन किस्पोट्टा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिरवाड़ी थाना क्षेत्र में देह व्यापार का अवैध धंधा तेजी से फल फूल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर महिलाओं और 1 युवती को गिरफ्तार किया है। जीरोवाड़ी ओपी क्षेत्र में एक गुप्त सूचना मिली कि अवैध देह व्यापार का चल रहा है, जिसकी सूचना के सत्यापन पर अफसर इंचार्ज और SDPO साहेबगंज के नेतृत्व में एक टीम गठित की और इस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया और एक जो ग्राहक के रूप में वहाँ से भागने में सफल रहे। यह ऑपरेशन रात में किया गया है और इस दौरान ये जो महिलाएं हैं सभी इस जिला के बाहर से रहने वाली हैं और इस तरह जो अवैध देह व्यापार चल रहा था उसे बंद करने या सफल उसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने में इन्होंने सफलता पाई। और गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के टोटाम्बी डैम से उसी गांव के नंदलाल नायक के शव बरामद होने के 24 घंटे के अंदर घाघरा पुलिस मामले का अध्ययन करते हुए मृतक के भतीजे बबलू नायक और मृतक की भाभी राजमुनी देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों अभियुक्तों के पास से हत्या में प्रयोग खून लगा पत्थर, खून लगा पेटीकोट व दीवार पर खून लगी मिट्टी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। कल घगरा थाना अंतर्गत टोटाम्बी डैम में एक अज्ञात शव को बोरा में बांधकर चटाई में बांध के फेंकने की बात पर सूचना मिली थी, जिस पर थाना के में पदस्थापित प्रशिक्षु DSP प्रदीप प्रणव, थाना प्रभारी अभिनव कुमार और देव प्रताप गए। वहां पर जाकर वहां डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान वहीं के नंदलाल नायक के रूप में किया गया। ये उनके बाद प्रकाश मायकी नंदलाल बीते शनिवार को अपने साला हरदिल नायक जो कुख्यात नक्सल था उसकी किडनी फेल होने के कारण उसकी मृत्यु इलाज क्रम में हो गई थी, जिसके डेड बॉडी को जलाकर वो रविवार को अपने गांव में आया और